ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूरे राजस्थान में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड मई महीना तोड़ रहा है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश की भारत पाक सीमा पर इन दिनों 50 डिग्री तापमान है और कैसे वहां पर जवान हमारी देश की सुरक्षा में लगे हैं। यही नहीं, वहां महिला जवानों की भी तैनाती है। देश की सीमा पर महिला जवान है, मुस्तैद है और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर सरहद की रक्षा में जुटी है। इस बार मई में 21 साल बाद थार में गर्मी से रिकॉर्ड टूटे हैं और फिर भी महिला जवान दमखम के साथ वहां पर तैनात है। इनके हौसले को हम सलाम करते हैं। जरा ये रिपोर्ट भी देखिए। इन हाथों में चूड़ियां नहीं, बंदूकें हैं। 50 डिग्री तापमान में कर रही देश की रक्षा। 50 डिग्री से भी ज्यादा तापमान में सीमा पर तैनात है प्रदेश की बेटियां। इन्हें ना फिक्र है आसमान से बरस रही आग की और ना ही गर्मी की। ये प्रदेश की गौरवमयी नारी शक्ति। प्रदेश की इस नारी शक्ति को सलाम। एक और जहां राजस्थान के कई जिलों में पारा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वहीं रेतीले जैसलमेर में सीमा पर तैनात ये महिलाएं उनके लिए प्रेरणा है, जो ऐसी गर्मी में कूलर और एसी से दूर जाने में भी घबराते हैं। थार रेगिस्तान के बाड़मेर जैसलमेर इन दिनों भारी गर्मी से झुलस रहा है। कहर बरपाती गर्मी से जहां भारत पाक सीमा पर बाखसर मुनाबाव क्षेत्रों में बीएसएफ की सीमा चौकियों पर तापमानी पारा 54.9 डिग्री पहुंच गया है, वहीं शहर में भी सुबह के साथ ही गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम जहां घर से बाहर ही नहीं, घर के अंदर दुबके रहने के बावजूद भी इस गर्मी से त्रस्त है, वहीं बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों के बावजूद सीमा सुरक्षा बल में प्रदेश की जांबाज महिलाएं देश की सुरक्षा में जुटी हैं। दुश्मन के नापाक इरादों को खत्म करने के लिए हाथों में हथियार लिए पूरी तरह से चौकस रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि तपती रेत और आसमान से बरस रही आग का भी इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। यकीन ना आए तो जरा देखिए किस तरह पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये सीमाओं पर तैनात देश की रक्षा के लिए हर वो कार्य कर रही हैं जो हमारी नजर में एक पुरुष ही कर सकता है। तो वहीं महिला जवानों का कहना है कि हमें ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि किसी भी सूरत में सीमा पर डटे रहना जरूरी होता है और ड्यूटी तो ड्यूटी है। हर 5 से 10 मिनट में पानी पीकर लगातार सीमा की चौकसी की जाती है। हालांकि बटालियन के कमांडेंट के द्वारा बॉर्डर पर तैनात देश के जवानों के लिए पानी, कूलर, पंखे, फ्रिज सहित हर एक आवश्यक चीजों की व्यवस्था की गई है। हम 6 से 12 ड्यूटी करते हैं और गर्मी से बचने के लिए हम गीला कपड़ा करके मुंह पे बांधते रहते हैं और नींबू पानी की व्यवस्था है हमारे लिए, सीओ सर ने कर रखा है। पानी की बोतल हम साथ में रखते हैं तो 5-5 मिनट में पानी पीते रहते हैं हम। और इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी ड्यूटी तो करना पड़ता है। बॉर्डर पे तो गर्मी बहुत है, वैसे हमारे सीओ सर ने हमारे लिए कूलर, फ्रिज, एरो का पानी भी इनकी व्यवस्था की है, पर अब गर्म हवा भी बहुत है, धूप भी है। ट्रेनिंग में हमें यही तो सिखाया जाता है कि कैसे सहन करना है। बाड़मेर के 37 वाहनी सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट रमेश कुमार का कहना है कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के लगती भारत पाक सीमा पर तैनात जवानों के लिए काफी कठिनाइयों से भरा मई महीना होता है। इसमें असहनीय गर्मी बॉर्डर पर पड़ती है, जिसमें देश के जवान लगातार 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। सीमा पर सूर्यदेव अपना रौद्र रूप दिखाता है। हालांकि जवानों को हर तरीके से गर्मी से निपटने के लिए जैसे खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं और हमने इसके लिए इंतजाम भी करवा रखा है। वहीं किसी जवान को अगर लू लग जाती है तो उसके लिए ठंडे जगह की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन पुरुषों के साथ महिला जवानों का ये साहस वाकई काबिलियत तारीफ है। जवानों को हर तरीके के गर्मी से निपटने के लिए जैसे खाद्य पदार्थ हैं जो गर्मी में ज्यादा सेवन करे जाने की जरूरत पड़ती है, जैसे नींबू पानी है, सलाद के आइटम है, खीरा है, लस्सी है, इस तरह की चीजें हमने बहुत मतलब सफिशिएंट मात्रा में बॉर्डर में प्रोवाइड की हुई है। गाड़ी बॉर्डर से रेगुलरली चल रही है और फ्रेश आइटम यहाँ से बाड़मेर से खरीदने हम उनके पास भिजवा रहे हैं। किसी भी चीज़ की जरूरत, उनके पास पैसा भी हमने एडवांस में काफ़ी स्टॉक किया है
ताकि अगर बाड़मेर से नहीं, अगर लोकल अपने नज़दीक मार्केट से ख़रीदना चाहें तो ऐसी तमाम चीज़ें बॉर्डर से भी ख़रीद सकते हैं और उनको तमाम वो चीज़ें देने की कोशिश है हमारी। इसके अतिरिक्त हमने सारी BOPs में डीप फ्रीजर हैं, फ्रिज हैं और वाटर कूलर हैं, वो सभी लगाए हुए हैं ताकि हर आदमी को ठंडा पानी पीने के लिए मिले और ठंडी जो है वस्तुएं, जो आइसक्रीम वगैरह और दूसरी चीज़ें हैं, वो ठंडी रह सकें बॉर्डर के ऊपर। अगर किसी को लू वगैरह लग जाती है तो वहाँ एयर कंडीशन BOP में लगे हुए हैं, 7-8 जगह पे हैं हमने बनाए हुए, ताकि अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो हम उसके लिए भी जो है उसका इस्तेमाल कर सकें और टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करने में बड़े सहायक हैं। बॉर्डर पे हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हम लोग लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करेंगे, इसीलिए भर्ती हुए, अच्छी ट्रेनिंग पाई है और हमारे को अच्छी से अच्छी सुविधा मिल रही है। बैरकों में कूलर, पंखे और पीने के लिए ठंडा पानी, आर ओ वगैरह लगाया हुआ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम अपने जर्किन में पानी लाते हैं, उसमें कपड़ा वगैरह लपेट के उसको गीला करते रहते हैं, पटका है, अपनी टोपी वगैरह लगाते हैं, इससे हम गर्मी का बचाव करते हैं। बाड़मेर जिले में तापमानी पारा 49.7 डिग्री तक पहुंच चुका है। बाड़मेर से लगती भारत पाक सीमा पर गुरुवार को तापमानी पारा 54.9 डिग्री को छू गया था, लेकिन भीषण गर्मी ने BSF के जवानों को झकझोर कर रख दिया है। और फिर भी ये पुरुषों के साथ महिला जवान बुलंद हौसलों के साथ देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। हालांकि विशेष ट्रेनिंग में महिलाओं को शारीरिक शक्ति के प्रदर्शन के साथ मानसिक रूप से भी सशक्त जरूर किया गया है, लेकिन इनका हर परिस्थिति में साहस और जज्बे के साथ अपने लक्ष्य के प्रति जुटे रहना इनके जौहर को दिखाता है। 50 डिग्री से भी ज्यादा तापमान में सीमा पर तैनात प्रदेश की बेटियां शायद यही कह रही हैं कि कोमल हूँ, कमजोर नहीं, नारी हूँ, शक्ति से हूँ भरपूर। हाँ, मैं नारी शक्ति हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। वाकई इनका हौसला, जज्बा काबिले तारीफ है। फर्स्ट इंडिया भी इन नारी शक्ति को सलाम करता है। चलिए, इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।